हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लासा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, IRCTC के ऊपर टिकट बुकिंग के नियम चेंज हो गए हैं। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं IRCTC से रिलेटेड दो लेटेस्ट अपडेट। पहला लेटेस्ट अपडेट जो होगा वो स्पेशल ट्रेनों के बारे में होगा, और दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो होगा IRCTC के ऊपर टिकट बुकिंग में क्या बदलाव है इसके बारे में होगा। दोस्तों, दोनों लेटेस्ट अपडेट आपको कुछ नई जानकारी देंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले लेटेस्ट अपडेट की। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मेमो ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही एक डेमो ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। वहीं जयनगर से कोलकाता के लिए साप्ताहिक विशेष ट्रेन को भी चलाने का फैसला किया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के सीनियर DCM सरस्वती चंद ने बताया, दरभंगा से पटना और सहरसा से पटना के बीच मेमो पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रोज किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं लिस्ट और ट्रेनों के नाम नंबर सहित सारी जानकारी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। आप चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर यह जानकारी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की। इंडियन रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग कराने के नियमों में बदलाव किया है। अब से यात्रियों को टिकट बुकिंग कराते समय अपना मोबाइल नंबर को ही रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना होगा। रेलवे की ओर से बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि कई बार बहुत से रेल यात्री अपना टिकट दूसरे लोगों के अकाउंट से बुक कराते हैं, तो ऐसे में उनका कॉन्टैक्ट नंबर PRS सिस्टम पर दर्ज नहीं होता है। ऐसे में कैंसिल हो जाती है ट्रेन, या फिर डाइवर्ट हो जाती है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको मैसेज के जरिए नहीं जानकारी मिल पाती है। लेकिन IRCTC ने इसको जरूरी नहीं किया था। अब मैं आपको बता दूं कि IRCTC इंडियन रेलवे ने इसको जरूरी कर दिया है। यानी कि आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव अगर आपसे टिकट बुक करा रहा है, तो आप उससे बोलिए कि भाई आप अपनी ID से बुक करिए, आप अपनी ID क्रिएट करिए, या उसके नाम से एक ID क्रिएट करिए, उसका ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर कोई सजा या कुछ इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। रेलवे की तरफ से बस एक अनुरोध किया गया है कि आप अपने नाम से ID बनाइए और अपना ही मोबाइल नंबर दर्ज कराइए टिकट बुकिंग के ऊपर। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है कि टिकट बुकिंग में मोबाइल नंबर भी चेक किया जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह अपडेट कैसा लगा यह भी बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।